वार्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। तो सबसे पहले आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये सबसे पहले हिंदी व्याकरण का सबसे पहला साहित्य, सबसे पहला चैप्टर होता है। देखिए, भाषा भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचार प्रकट करते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है, जल्दी करो, शताब्दी ट्रेन के छूटने का समय हो गया है। हरी बत्ती जल गई है, गार्ड भी हरी झंडी दिखा रहा है। अब तो सीटी भी बज गई है, लोग गाड़ी धीरे धीरे सरकने भी लगी है। इस वर्णन में सिग्नल का बत्ती का हरा होना और गार्ड के द्वारा हरी झंडी दिखाना और सीटी का बजना, ये सभी संकेत क्या हैं? ये सभी भाषा के संकेत हैं। आप अपने विचार प्रकट कर, ठीक है? ये तो हुआ भाषा का। और भाषा के रूप, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने भावों और विचारों को परस्पर क्या किया जाता है, आदान प्रदान करना पड़ता है। अब इस उदाहरण को देखिए, कैसे ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है? एक ऐसे कर रहा है तो यानी ये ऐसे कर रहा है तो यानी आशीर्वाद दे रहा है, वो उसके लिए झुक रहा है, गुरु की बात, ये शिष्य है, ये गुरु है, ठीक है? तो इस प्रकार क्या है कि ये प्रकार अध्यापिका ने कक्षा में अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी पढ़कर सुनाई। बच्चों ने उसे ध्यान पूर्वक सुना, फिर बच्चों ने इस एकांकी का क्या किया, अभिनय यानी नाटक किया और संवादों का उच्चारण भी किया। इसके बाद अध्यापिका ने एकांकी का सार लिखने को कहा, परंतु क्या हुआ, जब संवाद लिखे जाएंगे तो पूरी प्रॉपर वे में लिखे जाएंगे। अब भाषा की डेफिनेशन क्या है, बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भाव और विचारों को आदान प्रदान की गई भाषा को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो ये तो हुआ भाषा, परंतु इसमें लिखा हुआ भाषा के दो रूप उभर कर आते हैं। नहीं, भाषा का एक रूप तो मौखिक हो गया, दूसरा रूप लिखित हो गया, परंतु हम तीसरे रूप को कैसे छोड़ सकते हैं? तीसरा भी तो हमारा रूप बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, ये देखिए क्या मैं लिख रहा हूं उसे, तीसरा बोलते हैं सांकेतिक, राइट? ये थर्ड हो गया, क्या हो गया, सांकेतिक हो गया, मौखिक हो गया, लिखित हो गया और सांकेतिक हो गया। क्योंकि मौखिक मूल रूप से जो हम बोला जाता है वो तो मौखिक हो गया। भाषा का मूल रूप क्या है, मौखिक है। प्रत्येक भाषा के लिखने की व्यवस्था अलग अलग है, इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जब कोई भी लैंग्वेज को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए उसे लिपि कहते हैं। मातृभाषा समझ में आ गया कि माता, वह भाषा जो बालक अपने परिवार से सीखता है, तो वो तो मातृभाषा होगी। तमिलनाडु में तमिल होगी, गुजरात में गुजराती होगी, पंजाब में पंजाबी होगी, तो इस प्रकार के जापान में जापानी होगी। तो इस तरह की उनकी लैंग्वेज हो गई मातृभाषा। बोली, बोली जिसे हम क्या क्या कह सकते हैं, सिर्फ बोली किसी या किसी भाषा का वह रूप है जिसे किसी सीमित क्षेत्र में अल्प विकसित किया जाता है, अल्प विकसित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह बोली प्राप्त बोलने तक सीमित रहती है, इसमें सामान्यतः साहित्य की रचना नहीं होती। भारत में अनेक बोलियां हैं जैसे ब्रज, अवधी, मगही, भोजपुर, बुंदेली आदि। और ये जब भाषा कैसे है, देखिए अब हमारे जैसे पहाड़ में कुमाऊनी गढ़वाली बोली जाती है, राजस्थान में गज मारवाड़ी बोली जाती है, परंतु वे बोली है, वे लिखी नहीं जाती, ठीक है? बोली वो होती है जिसका लिखित रूप नहीं होता। आप सीधा सीधा ये भी समझ सकते हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा हर देश की एक भाषा होती है और राष्ट्रभाषा होती है। जैसे हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। क्या है? इसका संपूर्ण प्रयोग राष्ट्र में किया जाता है, इसलिए हिंदी है। अब राजभाषा, जिस भाषा को सरकारी कामकाज में लिया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुसार, 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है, ठीक है? पर इसलिए इसे प्रतिवर्ष क्या कहते हैं, हिंदी दिवस के 14 सितंबर 1949 को क्या क्या किया जाता है, इसे स्वीकार किया गया था। किसको हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को, राइट?
सितंबर, ये 14 सितंबर को क्या क्या किया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं को मान्यता दी है, 22 को। असमिया है, बंगला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। ये लैंग्वेज तो हो गई जो भारत संविधान में स्वीकृत है। और विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाएं देखो, अंग्रेजी है सभी जानते हैं, जर्मन भी जानते हैं, फ्रांसीसी है, थाई बोलते हैं, जापानी, चीनी, डच, इतावली, हंगेरियन, अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, स्पेनिश, ये विश्व की है कुछ। ठीक है, अब लिपि, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के लिए निश्चित की गई चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जिसकी लिपि होती है वही भाषा होती है। बोली की कोई लिपि नहीं होती, इसलिए उसकी उसे भाषा नहीं कह सकते, यही अंतर होता है। तो ये सब चीजें, अब देखो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतावली आदि भाषाएं किस चीज में लिखी जाती है, तो रोमन में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि क्या लिखा है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी में। अब व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ने लिखने के नियमों का ज्ञान होता है, तो वो तो हो गया व्याकरण। अब देखिए कक्षा 6 में पढ़ता है कौन, पढ़ता है कक्षा 6 में, जैसे हम एक छोटा बच्चा पढ़ता है, हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो इन वाक्य को पढ़िए, हम खाना खा लिए, हो नहीं हमने खाना खा लिया। अब देखिए व्याकरण इनको जो शुद्ध करता है वही व्याकरण है। व्याकरण को क्या है, व्याकरण को अशुद्ध होता है, व्याकरण नहीं होगा तो हर सब भाषाएं अशुद्ध होगी, व्याकरण शुद्ध करता है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, हमने खाना खा लिया है, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारे घर चला जाओ, तो ये इस तरह से बोलेंगे तो एक वाक्य प्रॉपर वे में गलत होगा। तो शुद्ध रूप में वाक्य इस प्रकार से होंगे, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूं, हमने खाना खा लिया है, तुम अपने घर चले जाओ। भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप की पहचान करने में व्याकरण हमारी क्या करता है, सहायता करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। अक्षरों और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, इन्हीं शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, राइट। और अक्षर और वर्णों दोनों को मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और जबकि अक्षर और वर्ण दोनों क्या है, एक ही है, इन दोनों को ये अलग अलग नहीं है, अक्षर और वर्ण दोनों का एक ही होते हैं। इन्हीं शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। जैसे पहले वर्ण विचार से शब्द बनेगा, शब्द से वाक्य बनेगा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब आपने क्या पढ़ा, भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का क्या है, माध्यम होती है। भाषा के कितने रूप है, 2 रूप है, परंतु नहीं यहाँ पर 3 रूप है। तीसरा मैंने बताया, क्या बताया, सांकेतिक, आपको मैंने बताया ही थे, सांकेतिक होता है भाई, सांकेतिक को आप भूल नहीं सकते। ठीक है, ये आप इसमें बुक में थोड़ा सा गलत आया है, सांकेतिक भाषा होती है जो चौराहे पर बोली जाती है, पशु पक्षियों के लिए लैंग्वेज होती है, उसको हम सांकेतिक कहते हैं। तो सांकेतिक भाषा थर्ड भाषा का प्रयोग करें, सांकेतिक। मौखिक रूप किसका है, मूल रूप है। भाषा का लिखित रूप क्या है, विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, क्योंकि विचार हम लिख भी सकते हैं दूसरे के सहन से, इसलिए क्या है कि वो लंबे समय तक जीवित सुरक्षित रख सकता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना लिखना पढ़ना सिखाता है, बिल्कुल सही है। व्याकरण के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण विचार को कुछ और कह देते हैं वर्ण विन्यास, शब्द को शब्द विन्यास, ठीक है, वाक्य प्रचार, वाक्य भेद, शब्द भेद, वर्ण भेद, ऐसे भी बोल सकते हैं। नाम अलग अलग रखने से तो कोई मतलब नहीं होता, परंतु बात अर्थ वही होता है। अब कैसे देखिए सब, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भाषा क्या है, विचारों का आदान प्रदान, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हो गया। भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के 3 रूप हैं, यहाँ पर 3 लगाएंगे, 2 नहीं लगा सकते क्योंकि ये मौखिक और लिखित कहेगा, पर नहीं सांकेतिक भी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ना तो मनुष्य कुत्ता तो फालतू पशु होता है, विचारवान भी है पर सामान्य भी प्राणी है, पर क्या है, सामाजिक है, समाज में रहना जानता है। भाषा का मूल रूप कौन सा है, मूल रूप
सबसे पहला मौखिक और लिखित, ये दोनों मूल रूप होते हैं। वैसे भाषा का मूल रूप मौखिक ही है, परंतु क्या और क्या मूल रूप भाषा के दो रूप होते हैं, परंतु अगर देखा जाए तो एक ही होता है, तो इसको हम एक ही मानेंगे, इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि उसने मूल रूप कौन सा है, तो मौखिक ही है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। सीधा सीधा समझ लो, ये लो भाई 22 भाषा है। भारत के संविधान में स्वीकृत जो राजभाषा है क्या, वो क्या है? भारत के संविधान में स्वीकृत जो राजभाषा है हमारी, भारत के संविधान में स्वीकृत राजभाषा हिंदी है, तो हिंदी पे लगाओ ना भाई, ये नहीं देख रहे हैं आप। तो अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बेटा? ये रोमन में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी, फारसी, रोमन, अन्य। उर्दू फारसी भाषा में नहीं, उर्दू वैसे अरबी भाषा का तो नहीं माना जाता, पर उर्दू फारसी भाषा की लिपि है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण कराता है, तो इसमें व्याकरण हो गया। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आप देखो इनके क्वेश्चन, बोधात्मक क्वेश्चन, ये आपको खुद करने हैं, पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा से हम बोलना, लिखना और सुनना सीखते हैं। भाषा से हम ये समझते हैं, जिससे अपने विचार आदान प्रदान किए जाते हैं। भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? भाषा के मुख्य के 3 रूप हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण का क्या काम करता है? व्याकरण क्या काम करता है? शुद्ध रूप शुद्ध सिखाता है पढ़ना लिखना। उससे हम क्या करते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण कराता है। ये इसका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। लिपि से आप क्या समझते हैं? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब भाषा के मुख्य 2 रूप है, नहीं 3 रूप है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसमें हम लिखित भी लिखेंगे और थर्ड सांकेतिक का भी, इस यहाँ पर हटा करके सांकेतिक करेंगे, दोनों को लिखेंगे। भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? मौखिक ही है, पहले तो बोल करके ही पढ़ाया जाता था, रटंत विद्या थी। भाषा का रूप लंबे समय से तक विचारों को सुरक्षित रख सकता है, लिखित रख सकता है, क्योंकि जो लिख लोगे उसको आप लंबे समय के बाद भी पढ़ सकते हैं लंबे समय तक। अब हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। प्रतिवर्ष किसको मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 अगस्त को। तो 15 क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को भारत संविधान आज लागू हुआ। 15 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। और 26 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। 14 सितंबर को क्या हुआ था? हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 14 तारीख को। यहाँ पर लिख दो 14 सितंबर। व्याकरण के कितने अंग हैं? सबको पता है 3 अंग हैं, तो 3 लिख दो। आपके स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, उनकी लिपि का नाम भी लिख दो। लिख दो हिंदी, लिख दो हिंदी हो गया, ठीक है जी, हिंदी हो गया भाई। ये देखो हिंदी, ये हो गया हिंदी। क्या है? देवनागरी है, समझो मैं बोल रहा हूं, आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, देवनागरी हो गया। दूसरी भाषा इंग्लिश, उसकी रोमन होगी। तीसरी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है, उसकी भी देवनागरी होगी। निम्नलिखित में भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? भाषण में मौखिक, समाचार पत्र में, समाचार पत्र लिखा हुआ होता है तो लिखित, काव्य पाठ, काव्य का पाठ करते हैं, किस चीज का करते हैं? पढ़ लिखे हुए गए तो पाठ करते हैं, तो मौखिक हो गया। पत्र लिखित होता है, पुस्तक ये भी लिखित होता है, बातचीत मौखिक होती है। भारत के इन राज्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? किस भाषा का? पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, उत्तर प्रदेश में हिंदी, कर्नाटक में क्या है? तमिल और तेलुगु, आंध्र प्रदेश में पूरा तमिल और तेलुगु, केरल में मलयालम। भारत के 5 शहरों के नाम देवनागरी रोमन लिपि में लिखे, लिख दो 5 शहर क्या है? अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, ठीक है,
इस चीज ये सारे सारे शहरों के नाम लिख दो और उनको इंग्लिश में लिख दो। अब हिंदी हिंदी के इन रोमन लिपि में लिखे, देखिए बस अब टूट पड़ो, बस अब टूट पड़ो, जैसे लिखा हुआ वैसे रोमन लिपि में लिख दो। चल हटके मान भी जाओ लिख दो, मिलान कर दो। उर्दू अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है तो उर्दू किस में लिखी जाती है, पहले बताया था बच्चों को, फारसी में। हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। पंजाबी किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी में। संस्कृत किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। मराठी किस में लिखी जाती है, ये भी देवनागरी में। सारे हो गए। तो बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देखो, और कोई प्रॉब्लम है तो रोक रोक करके देख सकते हैं। यहाँ पर देवनागरी में पांच शहरों के नाम बोले, आप कोई से भी पांच शहर ले लो, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, ठीक है, तो नोएडा, कोई भी पांच शहर ले लो, उनको इंग्लिश में लिख दो, दोनों लैंग्वेज हो गए। तो बच्चों ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैथ्स कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहें, तो उससे क्या होगा कि आपकी पेस बना रहेगा और पहले वीडियो पढ़ाई भी जाएगी और फिर एक्सप्लेन भी की जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।